चक्का जाम में 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा सिर्फ, और शांतिपूर्वक होगा। हम किसी से कोई टकराव नहीं करेंगे। जो बीमार लोग हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है उनको भी दिया वापस कर दिया जाएगा कि उनको भी जगह दी जाएगी। और हमारा मकसद सिर्फ अपना आंदोलन को ये दिखाना है कि पूरे भारत का किसान अब जाग चुका है। हम सब किसान है, किसान मर जाएगा, मंदिर में कुछ तो चले जाएंगे, मस्जिद में कुछ तो चले जाएंगे। हमारा अल्लाह खुदा सिख वाहेगुरु सब हमारा एक है। हम किसान है, हमारा कोई जाति नहीं, हमारा किसान की जाति। किसान ने ये काले कानून जो बनाए है वो मांगे नहीं है, ये सिर्फ हमको थोपा गया है। पहले हिंदू मुस्लिम बिठा दिए, अब किसान और जवान बिठा दिया। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो कि मुजफ्फरनगर से चलकर किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में। आज आंदोलन के पूरे 72 दिन हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 72 से चाहे 10 गुना भी हो जाए, लेकिन हम जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत जी ने जिस तरह कल चक्का जाम की का ऐलान किया है, क्या तैयारियां और चक्का जाम में क्या क्या होगा? चक्का जाम में 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा सिर्फ, और शांतिपूर्वक होगा। हम किसी से कोई टकराव नहीं करेंगे। जो बीमार लोग हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है उनको भी दिया वापस कर दिया जाएगा कि उनको भी जगह दी जाएगी। और हमारा मकसद सिर्फ अपना आंदोलन को ये दिखाना है कि पूरे भारत का किसान अब जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, और ये गांव-गांव तक ये आंदोलन फैल चुका है। गांव-गांव ही नहीं बल्कि अब शहरों में और अब संसद में भी आंदोलन पहुंच चुका है, क्योंकि संसद में अपोजिशन पार्टियां जो है वो आपकी हिमायत में आवाज बुलंद कर रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो उनका काम है, विपक्ष का काम है कि वो उनके जो विरोध है, जब हमने कुछ मांगा ही नहीं। किसान ने ये काले कानून जो बनाए है वो मांगे नहीं है, ये सिर्फ हमको थोपा गया है। ये हमारे नहीं है काले कानून, ये हमारे नहीं है, ये तो सिर्फ व्यापारियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाए गए कानून है। ये बार बार जो बोलते हैं कि हमने किसानों के लिए ये कानून बना दिए, अरे हमने तो जब किसानों का कानून बन रहा था तो किसानों को पूछा क्यों नहीं गया? तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, जो संसद तक पहुंच रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं विपक्ष को भी को उनको हमारी जो आवाज है, जो किसान की आवाज है, उनको भी हमें, मैं कह रहा हूं आज नहीं तो कल इनको भी, सरकार को भी ये मानने पड़ेंगे और ये वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि जब इनमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है तो फिर क्या दिक्कत है? जब सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है तो वापस क्यों नहीं ले सकती? और जब ये अच्छे थे तो इनमें संशोधन क्यों करना चाहती है? तो संसद में उनका धन्यवाद है, और ये वापस ले ले तो हमको तो उनका भी धन्यवाद कर देंगे, लेकिन वापस लेने पड़ेंगे। जब तक वापस नहीं लेंगे किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। एक और अहम सवाल है कि जिस तरह से आप किसान लोग जिस तरह से अपने जमीन के खेतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला शुरू किया है कि सब चीज प्राइवेट कर रही है, क्या इसके लिए भी कोई लड़ाई लड़ी जाएगी? बिल्कुल, ये वही तो है। सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सारे सब कुछ बेच दिया इस सरकार ने। जब से आई है, रेल बेच दी, BSNL बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, इनकी तैयारी है सारा देश बेच जाएगा इस तरह। तो और मैं बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र में तो ये स्थिति है कि जिसकी सरकारी नौकरी होती है तो शादी हो जाती, नहीं तो शादी भी नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है। और आज किसान खड़ा है, कल को नौजवान को भी इसी तरह खड़ा होना पड़ेगा, इससे आगे मजदूर को भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे काले कानून है। इसमें हमसे जब किसान के फसल आती है तो 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो हमसे आलू प्याज जैसे कुछ खरीदा जाता है, और जब ये मल्टी कंपनियां उनको स्टॉक कर लेगी तो ये वही हमें 50 रुपए किलो, 60 रुपए 70 किलो उस मजदूर को भी देंगे और आम लोगों को, आपको भी देंगे। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई ये है। और भंडारण से इन्होंने रोक हटा ली, जब ये जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे किसान किसी कीमत पर भी मानने वाला नहीं है। सरकार ये कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है, और अभी तक 11 मीटिंगें हो चुकी हैं, 12 मीटिंगें हो चुकी हैं, कोई भी हल नहीं निकल पाया। क्या वजह है कि इस पूरे मामले पर हल नहीं निकल पा रहा है, मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है? देखिए, मीटिंग तो सिर्फ जनता को ये दिखाने के लिए सरकार कर रही है कि हम किसानों की बात मानने के लिए तैयार है, कि मानेंगे नहीं, अंदर से यह है कि मानेंगे नहीं और मीटिंग कर देते हैं। मीटिंग का ये नहीं होता, मीटिंग तो एक ही समाधान निकल जाएगी, एक मीटिंग में समाधान निकल जाएगा। कानून है, काले हैं, जब वो गलत हैं उनको सरकार मान चुकी है, संशोधन करने के लिए तैयार, तो उन्हें वापिस ले लें, और जब वापिस ले लें तो ये वही किसान है, कल को हमारे दर पे या हमारे ही घर पे इनको वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा। और इन्होंने किसान को दिल्ली जाने से रोका, इनको हम रोक देंगे, क्योंकि ये हमारी वोट से ही दिल्ली तक पहुंचते हैं, ये अपने आप खुद नहीं पहुंचते। क्या वजह है कि अब तक सरकार के कोई भी मंत्री या नेता किसानों के बीच बातचीत करने नहीं आए, क्या वजह है आखिर? ये बीजेपी
की 3-4 आदमियों की पार्टी है, वो जिस तरह वो कहेंगे वो उसी तरह करेंगे। इनकी तो जमीर बिक चुका है, जमीर मर चुका है, इनकी आत्मा मर चुकी है। जो लोग बीजेपी में सांसद और विधायक हमने बनाए थे वो तो खत्म हो चुके हैं, वो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल अमित शाह और मोदी जी जो वो करेंगे भाई नारायण की औकात वहां बोलने की ये कहने की नहीं है। अगर ये किसान के बेटे हैं, अगर इनमें कुछ भी थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, इंसानियत बची है, तो ये इनको या तो इस्तीफा देकर यहाँ पे आ जाना चाहिए, नहीं तो जो इनके साथ अब सरकार के साथ लग रहे हैं कल को ये सांसद और विधायक नहीं बनेंगे, वो हम ही बनाते हैं, हमारी वोट से बनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कहने को तो कुछ रह नहीं रहा, कहने को तो सरकार बनाई थी, तो पीड़ा है, क्या कहें, हम इतने दुखी हैं, हम अपने मोदी का बयान नहीं कर सकते। जिस सरकार को हमने छेड़िया बना था, एक चाय वाला तो बनकर बैठ कर राजा, और हम कुर्ता भी पहन लिया, कुर्ता पजामा कहना पाता है तो मत करवा दियो, हम अपना दर्द कैसे बयान करें। हमें आज तक का गन्ने का भाव का नहीं पता, हमारा गन्ना किस भाव में जा रहा है, 3 महीने फैक्ट्री चलते हुए पर्ची पे हमारा रेट नहीं है, हम इतने पीड़ित है, हमारे बच्चे स्कूल में जाना फीस का आते तक स्कूल बंद चल रहे, जब भी मास्टर फीस मांग रहे ना कहाँ तला कर देवे। हर किसान इतना पीड़ित है, जिस किसान ने सोचा था, जिस जनता ने सोचा था भाई अच्छा नेता रहेगा, आज हम अपने उस समय पछता रहे, होगा जाना पड़ेगा हमारे पास थी, किसने इसके हाथ की चाय पी, जब भी इलेक्शन आएगा एक चाय वाले का इलेक्शन, मैं चाय वाला हूँ, मैं राम हूँ, हम राम के वंशज हैं, हमें तो पीड़ित करा जा रहा और राम का मंदिर बन गया, उसके वंशज के लिए मेरे किसान के लिए सोचो, राम नाम दे पेट नहीं भरने का, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो हम सब एक हैं, दंगे तो कोई कभी किसी की फतह नहीं हुई, इंसानियत मरगी, इंसानियत अगर रहेगी तो इंसानियत तो जिंदा करनी पड़ेगी, और नहीं तो ज्यादा लंबे समय टिकने वाला है नहीं भाई। बॉर्डर्स पर जिस तरह से कीले और तार लगवा दिया था, फिलहाल अभी निकलवा दिया है, क्या वजह थी, किस बात का डर था जो सरकार ने ये कीले लगवाया था? ये तो बाहर का दबाव आएगा, बाहर का अंतर्राष्ट्रीय लेवल लोग का दबाव आएगा, क्योंकि किसान के साथ में यहाँ गलत हो रहा, जो कृषि कृषि प्रधान देश है और यही पर कृषि कृषि खत्म करना चाह रहे, तो आप सब लोग भुक्के मिलोगे, हमें नहीं मरेंगे, सब मरेंगे ना भुक्के, नहीं कील ठोकनी तो वहाँ पे बॉर्डर पे ठोकिए ना, वो चाइना के बॉर्डर पे ठोकिए, उधर जगह ठोकिए, ये किसान के लिए जिसने हमने तो बना के भेजे थे, अगर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं या कैबिनेट के मंत्री हैं जोन जोन से भी, वो किसान ने तो बनाए, जिस दिन किसान इनके खिलाफ हो जाएगा उस दिन तो उनको पता चल जाएगा, और 22 में यूपी में चुनाव आ रहे हैं, इनको पता चल जाएगा कि हम किसान क्या हैं, और ये आज किसान का आंदोलन है, कल ये मजदूर का होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें व्यापारियों का फायदा, इससे अलग किसी का फायदा इसमें होने वाला नहीं है। और जवान किसान बिठा दिया और भरे बार आरोप लगा दिए, हमें बहुत दर्द है, अगर हमारे भाई का चोट है उस जवान का सिपाही का, हमें दर्द है, वो हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई है, क्या अमन का दर्द नहीं है, हम आपस में बिठा दिए, पहले हिंदू मुस्लिम बिठा दिए, अब किसान और जवान बिठा दिया, उस पर हमारे चौधरी साहब का शुक्र है, हमने खून का शुक्र है। जिस तरह से कहीं भी किसान आंदोलन होता है, जैसे कि परसों दिल्ली में ये देखने को मिला कि जब किसान किसानों की हिमायत में प्रोटेस्ट हुआ मंडी हाउस पर, तो पुलिस वालों ने ऐलान किया कि यहाँ से आंदोलन खत्म करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोरोना की वजह से 144 लगाई गई है। जब कहीं भी बीजेपी रैली करती है तो क्या वहाँ पर कोरोना नहीं होता है? देखो, जब बिहार में चुनाव हुआ तो कोरोना नहीं हुआ, और जब ये किसान आंदोलन जो इनके खिलाफ बोलेगा वही देशद्रोही है, जो इनके खिलाफ बोलेगा वही हिंदू मुस्लिम का नारा इनका है, इससे इनके पास कुछ है नहीं, झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है, ये बाजीगर है, मंदारी है, झूठ के झूठ बोलता है, इससे अलग इनके कोई फर्ज नहीं। जहाँ जहाँ किसान रैली चल रही है हर जिले में 144 क्यों लग रही है? ये 144 जब क्यों नहीं लग रही थी जब भाजपा वहाँ अपनी प्रतिक्रिया दिखा रही है नीलो बंगाल में, वहाँ क्यों नहीं बिहार में क्यों नहीं लगी तेजस्वी के सामने? तेजस्वी पे 144, इन पे 144 नहीं, ये कील जब क्यों नहीं लगाई गई जो अरुणाचल प्रदेश में जमीन घेर ली थी चाइना ने, जब कहाँ थी ये कील इनकी? ये सब धोखाधड़ी है, इस जुमलेबाजी में कोई नहीं आने वाला। एपीएमसी से किसान को फायदा, क्या फायदा एपीएमसी से किसान को? एमएसपी क्यों नहीं मिलता?
पर्ची पे रेट क्यों नहीं आता, होल्डिंग क्यों की हुई है, इसमें ये क्यों लिख दिया स्टैंडर्ड साइज ग्रेड। स्टैंडर्ड साइज ग्रेड कहाँ से लागा, यहाँ वातावरण में हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, साइज बनाएंगे, ग्रेड बनाएंगे, कहाँ से ला सकते हैं। जियो मार्ट क्यों बनाई, ये सब ठगने का इलाज है, कुछ नहीं है। हमें समझ आ चुका है, जो हमारे अनपढ़ किसान है उन्हें हम समझा रहे जाके, ठीक है। इनसे अब कोई जुमलेबाजी, इनके कोई चक्कर में कोई आने नहीं वाला। इनका सब जातिवाद फैलाना, हिंदू मुस्लिम कराना, इनका एक ही लक्ष्य है, इस भारत देश को बेच देना। रेलवे बेच दी बजट में, वेयर हाउस बेच दिए, ओनेस फैक्ट्री बेच दी, सब चीज इन्होंने बेच चुके हैं, सब चीजों का निवरीकरण हो चुका है, कुछ नहीं बचेगा, देश बर्बाद होने की कगार में है। 2024 में इनकी सरकार में लास्ट बजट ये आएगा। अच्छा जी, मैं तो फकीर हूँ, अपना झोला ठहरा हुर पकड़ते रहना। और ये 144 आज हमारे ऊपर लगा रहे हैं, कल को जब ये गांव में वोट लेने के लिए जाएंगे, 288 लगाई गई इनको, 288 इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये हमारे यहाँ कील ठोक रहे हैं, इनको हम वहाँ कील ठोकेंगे, ये दिल्ली में नहीं पहुंचेंगे, ये हमारी बदौलत ही दिल्ली में है आज। अगर प्रधानमंत्री है तो हमारे ऊपर है, जब किसान वोट देता है तो ही ये यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन ये इन्होंने 144 लगाई है। जिस दिन हमारा ये वोट मांगने के लिए आएंगे, हम 288 लगाएंगे इनपे, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक होगा तुम हिंदू मुस्लिम का फार्मूला तो होगा खत्म। मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम है, पर हम भाई भाई हैं। ये दोनों मुस्लिम मेरे भाई हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं। वो फार्मूला खत्म, जय श्री राम का बंगाल में जा लिया वो भी खत्म। हम सब किसान है, किसान मर जाएगा, मंदिर में किसको चले जाएंगे, मस्जिद में किसको चले जाएंगे। मारा अल्लाह खुदा सिख वाहेगुरु सब मारा एक है। हम किसान है, हमारा कोई जाति नहीं, हमारा किसान की जाति। हम इसमें पटका परेशान हो गए, इसमें इन्हें हमें बांट दिए, मुझे बनना का दंगना वहां इसका बना दे प्रधानमंत्री और हमें बना दे भिखारी। नाजिर जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जो कि मुजफ्फरनगर से चलकर गाजीपुर बॉर्डर पर आए, आज हमसे किसान आंदोलन पर खास बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।